में हो रहे हैं शामिल और जानते हैं उनसे क्या है बड़ी खबर उनके पास। चेतन बताइए। सर अभी वोडाफोन आइडिया बहुत ज्यादा चर्चा में है, इनफैक्ट जब एनडीसीओ ने इंटरव्यूज भी दिए तो हमने अपने सोर्सेज को रीच आउट किया, गवर्नमेंट सोर्सेज को रीच आउट किया, तो हमको ये पता चला कि इनफैक्ट वोडाफोन के लिए बहुत जल्दी इनफैक्ट अच्छी खबर आने की कगार पे है। हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि वोडाफोन पीएनसी जो वोडाफोन की ग्लोबल आर्म है वो लगभग 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया में कर सकती है। वोडाफोन आइडिया प्रमोटर लेड डेवलपमेंट, प्रमोटर लेड फंडिंग में बात ले सकती है। इनफैक्ट जो जैसे ही टेलीकॉम के रिफॉर्म्स यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए, वोडाफोन पीएनसी ने डीओटी डीपीआईटी और फिनमिन के साथ बातें शुरू करी कि किस तरीके से रिफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। तो आने वाले समय में डीओटी एंड डीपीआईटी दोनों ने इनफैक्ट काफी पॉजिटिव एफर्मेशन दी है कि हाँ जैसे टेलीकॉम रिफॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं यू कैन कम एंड यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन पिक अप स्टेक इन एफडीआई, बिकॉज सर अभी एफडीआई का जो 49% था उसको 100% कर दिया अंडर ऑटोमेटिक रूल। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो डीपीआईटी के थ्रू आएगी, यूरोपियन अमेरिकन नेशन से कोई भी इन्वेस्टमेंट आने में कोई भी रोक टोक नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में, हालांकि किसी भी एफडीआई किसी भी सेक्टर में। तो अभी जो वोडाफोन ग्रुप है उसमें अबाउट वोडाफोन आइडिया उसमें दोनों प्रमोटर लगभग 72% स्टेक की हिस्सेदारी है, वोडाफोन 53.50% एंड आदित्य बिरला ग्रुप अभी 18.48% की हिस्सेदारी है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वोडाफोन पीएलसी वोडाफोन इंडिया आम में कर सकता है। ओके तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, प्रोमोटर्स की तरफ से पैसा लगाने की तैयारी, ये बड़ी खबर है। बिल्कुल सर, वो बातें जी। पहली चीज जो बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट मैनेजमेंट का था वो ये था कि सरकार को जो करना था उन्होंने कर दिया, अब हमारी बारी, अब हमें करके दिखाना है और हम वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखने में, बड़ा करने में, आगे बढ़ाने में प्रतिबद्ध है, जो भी करना होगा हम करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि पैसा डालना होगा हम डालेंगे और उसके बाद ही हम एक्टिव हुए। उनके सुनने के बाद फिर चेतन अपने सोर्सेस से पूरी खबर निकाल कर लाए कि क्या कुछ हो सकता। तो न सिर्फ कुमार मंगलम बिरला बल्कि वोडाफोन पीएलसी दोनों ही अब इस कंपनी में पैसा डालने को तैयार है और ये फंड रेजिंग प्लान आपके लिए बहुत जल्दी आते हुए देखिए। तो दो बड़े ट्रिगर है वोडाफोन आइडिया के लिए, पहला प्रमोटर्स की तरफ से फंड रेजिंग प्लान, पैसा और इक्विटी के तौर पर आता हुआ। दूसरा जो इससे भी बड़ा है वो आएगी टेरिफ हाइक। अब आगे पीछे आप जल्दी ये मतलब सस्ते टेरिफ प्लान का गया वक्त, आदत पड़ गई अब। ना 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 देखो मतलब भाव तो आप तभी बढ़ा सकते हैं जब लोगों की आदत पड़ जाए। हाँ। तो आदत पड़ने के बाद अब जो टेरिफ प्लान बढ़कर आएंगे भारती आइडिया इन सब के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, रिलायंस जियो के लिए। अब ये प्राइसिंग वॉर खत्म हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े समय बाद में जैसा सीमेंट कंपनियों पर सीसीआई करती है ना कार्टेलाइजेशन वाला मामला, वो इन टेलीकॉम कंपनियों पे भी आ जाएगा। आप कार्टेलाइजेशन करके इतने टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तीन में क्या करेंगे मतलब। लेकिन वही वाली बात है कि तो अल्टीमेटली टैरिफ हाइक भी आएगी, अल्टीमेटली पैसा भी आएगा। तो और वोडाफोन आइडिया को अगर डूब जाना होता तो अब तो हो जाता, अब वापस से शायद पुरानी ग्लोरी की तरफ, ग्लोरी नहीं तो अभी कम से कम ये कह सकते हैं कि थ्री प्लेयर मार्केट अब रहने हाँ रहने वाला है। हाँ। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ा डेवलपमेंट है जो आपको इस वक्त बता रहे हैं। अनिल जी देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है अनिल जी वोडाफोन का अगर आप चार्ट देखें तो इसमें गैप अप हुआ था अनिल जी, जब इसने 9.5 रुपए के लेवल्स को पार किया था और उसके बाद अनिल जी इसके जो बुरे दिन थे वो मुझे लगता है कि समाप्त हो गए। उसके बाद ये चार्ट एक नई टेरिटरी में चला गया है और मुझे लगता है अनिल जी 13.5-14 रुपए के लेवल्स आपको इसमें आते हुए दिखेंगे, जिनके पास है निवेशित रहना चाहिए। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पर बन रहा है, आज के ट्रेड में ब्रेकआउट हम देख रहे हैं कि आता हुआ 11 रुपए के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मेरी राय में अनिल जी 13 के लक्ष्य से 13.5 के लक्ष्य से बिल्कुल बने रहने की राय। ओके 13 से 13.5 के लेवल्स आ सकते हैं वोडाफोन।